तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा नाम है आम के बोरो। आज के वीडियो के अंदर हम खेलने वाले आइसक्रीम थी। तो यस गाइस, आइसक्रीम वन और आइसक्रीम टू की वीडियो आ गई थी, लेकिन आइसक्रीम थी कि नहीं आई थी, तो आज हम वही खेलने वाले। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके गाइस, तो आ चुके हैं हम गेम के अंदर। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग ये चल रहा था कि जो हमारे जो माइकल था, वो माइकल को आज हमें बचाना है। और जो हमारी लीज थी, वो पिछली बार वहीं पर छूट गई थी रॉड की वैन में, तो उन दोनों को भी और हमें उस मोटे को भी बचाना है। तो उन दोनों को बहुत मुश्किल लगा यार बचाने में। उस मोटे को इतनी बार मैंने मना किया यार, वो फिर वहीं चिपका जाता है, पता नहीं बचा के भी उसको सर्कस में क्या। भाई ये आ गया, इस बंदे ने ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रखा है मेरा। जब भी मैं किसी को बचाने जाता हूँ, ये फटाफट आ जाएगा बीच में। भाई गेम भी तेरे नाम की बनी है, फिर भी इसका सबर नहीं भरा। और यार अभी ये बंदा यहीं खड़ा है, इसकी वजह से हम जा नहीं सकते कहीं पर भी, और शायद चला गया। और अब खोल लेते हैं मैप और फटाफट से चलते हैं हम अपने मेट्रो स्टेशन नहीं, हमें चलना है शॉपिंग सेंटर। तो शॉपिंग सेंटर में हमको ना एक शटर खोलना है, शटर के अंदर एक शवल मिलेगी, उससे हमें कुछ काम है, तो पहले वो निकालनी है। तो यार बहुत दिनों से ना आइसक्रीम थ्री की वीडियो डिले हो रही थी, बीच में माइनक्राफ्ट की वीडियोस पर मैंने फोकस किया था क्योंकि वो बहुत लेट हो गई थी, इसलिए फिर मैंने आज इसकी रिकॉर्ड कर ली। क्योंकि मेरे को बहुत दिल था कि मैं आइसक्रीम थ्री भी खेलूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और यार फटाफट से यहाँ से शवल उठा लेते हैं, और यहाँ से हमको एक कैंप में जाना है, जिस कैंप को हमें शायद ऐसे कैंपस नाम का कोई जगह है उसका, वहाँ जाना है। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक गड्ढा खोदना, उसके अंदर से की मिलेगी, उसका काम है हमको। तो फटाफट से चल लेते हैं यार अपने कैंपस के अंदर। यार हाँ खुल गया, कैंपिंग है उसका नाम, तो कैंपिंग पर चलते हैं फटाफट से। और फिर वहाँ पर हमको क्या करना है, एक जगह खोदनी है मैप से, और फिर वहाँ पर की मिलेगी। तो गाइस इस टेंट है ना, इसके अंदर हमको एक मैप मिलेगा, उस मैप से हमको ना वो की का रास्ता पता लगेगा। तो पहले वो मैप ढूंढना पड़ेगा यार, वो मैप कहाँ पे गया। और ये दरवाज़ा बंद कर दो यार, ये रहा यार मैप। और रोड यार, रोड ना आ जाए, बस जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं इसके अंदर कि पहले रोड आ जाए। और फटाफट से चेक लिया मैंने मैप। ओके, तो मैंने फटाफट से मैप तो उठा लिया। और अब ना यहाँ पर ये देखो मीटर दिख रहा है ना, इस मीटर के हिसाब से जाना है हमको। और हाँ ये वाला गड्ढा होगा शायद, मे बी हाँ यही वाला गड्ढे पे जीरो आ जाए। अबे निकल, तू कहाँ से आ गया, मैं इसको भगा के आता हूँ। ओके, तो ये जा चुका है यार, जल्दी किसी को। अरे भाई फिर आ गया, तू जा ना यहाँ से। ओके यार जल्दी की उठा ले, और ये पीछे पड़ गया यार। तो गाइस यार मैं इसको उलझा के आ चुका हूँ, और फटाफट से ना अभी हमें ऊपर एक जगह मिलेगी, उस जगह का ये ताला खोलना है हमको, ये वाला ताला। और यहाँ पर ना ये घोड़े फिट करने हैं भाई, नकली घोड़े पिट्टी वाले, उसको फिट करना है इस इनके अंदर। मिशन कंप्लीट करके फिर हमें की मिलेगी केज की। और ये फायर क्रैकर का भी काम है हमको मेट्रो स्टेशन पे, तो पहले इसे घेर आते हैं। और ना तुम्हें पता नहीं होगा, जो मोटी है ना, वो मोटी यार यहीं पर फंसी हुई है, उस मोटी को हमको लेके आना भाई। ये रही वो मोटी, इस मोटी से यार बातें करके हमको इसको कन्विंस करना पड़ेगा। स्पेशली तुम ये देख रहे हो कितने नखरे हैं भाई, गोश्त से बचने इस मोटी को, फिर भी हम बचाने हैं यार। देखो कितने हैं, ये नहीं है खुद मैं आ जाऊं, हमको स्पेशली कन्विंस करवाना पड़ेगा इस लड़की को, तब जाके आएगी ये है। और अभी मेरे को पता है कि कौन कौन से हैं, नहीं तो गाइज मेरे को सच्ची बताऊं ये मानती भी नहीं है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से पता करे हैं कोड वगैरह कि ये कैसे मानती है। और फटाफट से बीच वाला दबाना है मेरे को, और भाई जल्दी चल ले यार, मोटे कितना टाइम लगाएगी। और यार ये तीन एक और भी आ गया यार क्वेश्चंस, पता नहीं कितने आएंगे अभी। ओके, तो ये मैंने इसे मना लिया मोटी को, और यार रोड भी है यहाँ पर। ओके, तो फाइनली मैं रोड से बचा कर इस मोटी को ले आया हूँ, और अब फटाफट से हमको चलना है मेट्रो स्टेशन के ऊपर, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पे जाके ये पटाखे हैं ना, उन पटाखों को हमें एक जगह पे फिट करना है जिससे वो फटेंगे, और उसका काम है हमें। वहाँ पर भी एक घोड़ा मिल जाएगा हमें, और आ चुके हैं यार, और फटाफट से चलते हैं यार यहाँ से। और ये मेरे को कुछ राइट साइड में फिट करने हैं यहाँ पर, क्योंकि राइट साइड में हमको एक जगह मिलेगी जहाँ से हमको एक मेट्रो स्टेशन के अंदर रेल को हिलाना है। ओके, तो ये फट चुका है भाई, रोड ना आ जाए। और फटाफट से चल लेते हैं यार यहाँ से, और फटाफट से वो रेल ट्रैक को हमको खींच के लाना है। ओके, तो ये वो कमरा है सामने जिससे हमें उस रेल ट्रैक को हिलाना है। तो फटाफट से रेल ट्रैक को खोलते हैं, और नंबर है कुछ 5-1 और कुछ 2 है,
ओके, तो ये हिल चुकी है रेल, और ये रेल इसलिए है क्योंकि ट्रैक के ऊपर घोड़ा है, और ताकि हम रेल से ना ट्रेन से ना मर जाएं इसलिए होता है। और जिन लोगों को नहीं पता तो देखो यहाँ 512 ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर जो लोग आइसक्रीम 3 को खेलना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता था तो ये यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि यहीं कोड लिखा होता है, और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। और यार रोड भी आ गया सामने से, भाग जाए यहाँ से। ओके, तो गाइस यार हमको ना यहाँ से कुछ हैट और एक शूज भी उठाने होते हैं, और उसको ना एक भिखारी को देना, जिससे कि हमें एक और घोड़ा मिल जाएगा, क्योंकि एक घोड़े की चाबी उसके पास है, एक दराज खोलना है उसकी चाबी उसके पास है, उसमें से घोड़ा मिलेगा। तो फटाफट से यहाँ से चलते हैं यार, ये टोपी और उसके पैरों के अंदर जूते दे के आने हैं भाई। ये फटाफट हम हैट रखाते हैं, और ये जूते भी मैंने ले लिए हैं यहाँ से क्योंकि इन जूतों का भी काम है। और यार ये वो घोड़ा है, पहले मैंने जूते की जगह ये घोड़े ही उठाने आ गया, क्योंकि भाई घोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस जूतों से। और फटाफट ये रखो, और अब फटाफट से जूते भी ले आते हैं क्योंकि उनका भी बहुत काम है हमें। और भाई तू फिर से आ गया भाई, यार ये दिमाग बहुत ख़राब पड़ता है मेरा। और भाई देखो तो तुम कितना चला गए, ये इधर से लूर करके लाऊंगा भाई इसको मैं, दिमाग जो ख़राब कर रखा है इसने मेरा। और अभी फटाफट से चलते हैं, वो जूते चकलाते हैं इससे पहले कि ये फिर से आ जाए। चलो 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 भाई जल्दी चल ले। ओके, तो यहाँ पर हमारे पड़े हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर हमारे जूते पड़े हैं, जिनको अभी हम उसे देकर आना है। ओके गाइस, तो ये जूते भी अभी ले आए हैं हम, और अभी फटाफट से चलते हैं सर्कस के अंदर, क्योंकि सर्कस के अंदर ही हमारा काम है। और यहाँ पर एक ही काम नहीं भाई, हमारे दो दो काम है जो हमें करने हैं। ओके, तो पहुंच चुके हैं अपने सर्कस के अंदर, और ये जूते देकर आते हैं यार। पहले तो उस भिखारी को पहले पैरों में जूते और सर पे एक टोपी दे देते हैं, बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ ठंड के अंदर। अरे ठंड तो नहीं दिख रही है, चलो फटाफट से देकर आते हैं, ये रहा वो भिखारी। ओके, तो भिखारी को मैंने जूते दे दिए हैं, अब सिर्फ एक हैट रह गई है जो उसे देनी है, और हैट देकर हमें वो हॉर्स मिल जाएगा, जिससे हमें की मिलेगी, और उस की से हमें हॉर्स मिलेगा। तो फटाफट से चलते हैं, और ये उठाई में हैट, और हैट देकर आते हैं उसे। भाई ये आइसक्रीम वाला कितनी बार आता है यार पीछे, एकदम शुक्र है स्लो स्पीड है इसकी, नहीं तो ये बहुत फास्ट आता। ओके, तो फटाफट इसे कैप भी दे दिया मैंने, और अब ये सर्कस की की दे दिया हमें, और इस की से हमें एक डोर को खोलना है जिससे हमें वो हॉर्स मिलेगा। ओके, तो आ चुके हैं हम यहाँ पर, और ये है वो सर्कस का एक ड्रॉल टाइप का, मतलब ये ड्रॉर भी नहीं, ये सर्कस की कोई वैन है। ओके, तो मैंने खोल दिया, और ये मेरा हॉर्स, और ये येलो हॉर्स भी मिल गया मेरे को, तीन हॉर्स मिल गया गाइस। अब सिर्फ एक हॉर्स की दिक्कत है मुझे, और वो एक हॉर्स के बाद यार दूसरा काम जो मैंने तुम्हें कहा था ना, वो काम ये है कि यहाँ पर जो हमारा दोस्त है ना, वो मोटा भी यहीं पर छुपा हुआ है, वो एक कार्डबोर्ड का गत्ता पहन के घूम रहा है, और उसे बचाना है हमें, उसे भी कन्विंस करना पड़ेगा मोटी की तरह। ये रहा भाई, ये देखो, इसे भी मोटे को भी कन्विंस करना पड़ेगा। वो बात अलग गया, मुझे पता था इन्हें कन्विंस करना है, तब भी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ कि मुझे कैसे करना है। ओके भाई जल्दी चल ले यार, मोटे कितना टाइम लगाएगा। ये कह रहा भाई ये उससे नहीं डरता है, और उसके सामने जाती भाई इसकी वाट लग जाती है, तभी ये मोटा यहाँ छुपा हुआ है। और फटाफट से यार चलते हैं, इसे मना लेते हैं यार, जल्दी से मान जा मोटे, दिमाग क्यों खराब कर रखा तूने। और अभी यार पता नहीं कह रहा है भाई मैं सबसे ब्रेवेस्ट तुम चारों में से, भाई ये ऐसा कह रहा है, बल्कि फिर ब्रेवेस्ट होता तो तू ही बचा लेता ना। और अभी फटाफट से चलते हैं यार, भाई कब फांस रहा है ये बंदा, जब इसे बोला कि चल आज हम बाइक को बचाते हैं, तो अब ये चल जा भाई। सॉरी मैंने माइकल कह दिया था पहले, और अब माइक कह रहा हूँ मैं, अब याद आया मुझे उसका नाम माइक है। भाई जल्दी चल यार मोटे, कितना टाइम लगाता है, उसकी बहन भी ऐसी मोटी और ये भी ऐसा मोटा, दोनों मोटा मोटी भाई, इतना स्लो चलेंगे, इतना दिमाग खराब करते हैं। आ गया भाई मोटा, आ गया, अब जल्दी चलो यार यहाँ से, पीछे का कोई रास्ता भी नहीं, शॉर्टकट मार के चल लेते यार। और अभी फटाफट हमें पूरा घूम के जाना पड़ेगा अपनी वैन तक, जल्दी आ जा मोटे, कितना टाइम लगाएगा। ओके, तो मोटा फटाफट आ चुका है यार, मैं तुमको दिखाता ना तुम पक जाते, इसलिए मैंने यार कट कर दिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है ये बंदा सच्ची में। और अभी मेट्रो स्टेशन हम इसलिए जा रहे हैं वापस से, क्योंकि यार वहाँ पर ना हमें एक हाइड्रोलिक जैक मिलेगा,
जिस हाइड्रोलिक जैक से ना आपको एक दुकान मेट्रो स्टेशन मतलब मॉल में खोलनी है एक दुकान, और उसके अंदर से हमें बाइक मिलेगी, मिनी बाइक यार, कभी कभी लेंगे यार, असली लाइफ में मिनी बाइक लेंगे। भाई सामने से आ गए यार, शिट मैन यार, अब फटाफट से हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो ये ड्रॉर्स के अंदर कुछ देख लेते हैं, कुछ मिल जाए। और ये क्या है भाई, सीजर्स, सीजर जल्दी से काट कर लेते हैं, क्योंकि सीजर से ही हम इसे शटर को खोल सकते हैं, एक बार छुप जाते हैं कहीं रोड ना आ जाए। और ये वैन के अंदर जल्दी से बैठते हैं, और इन सीजर्स का भी अब कुछ काम नहीं है, जल्दी खुल जा भाई, और चलो फटाफट से अपने वापस से मेट्रो स्टेशन के अंदर, ताकि हम हाइड्रोलिक जैक को वापस ले सकें। और फटाफट हाइड्रोलिक जैक लेने चलते हैं। तो हाइड्रोलिक जैक यहीं मिलता है, और ये रहा, दो जगह पर मिलता है, एक इसके अंदर, ये घर से के अंदर, और ये यहाँ पर। ओके भाई साहब, फिर से वही एक कार्ड, फिर से वही एक लकड़ी का ये, फिर से वही रोड, फिर से मैं, और इस बार भेदभाव ये है कि मैं बच चुका हूँ, और रोड रोड बेचारा रेंगता रेंगता आ चुका है हमारे पीछे पीछे। और फटाफट हाइड्रोलिक जैक लेके चलते हैं। ओके तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और ये देखो ये बाइक है यार, ये चलानी है, कभी असली लाइफ में भी चलाएंगे यार ऐसी बाइक, मिनी बाइक, क्योंकि भाई असली बाइक पे तो अभी क्या ही मतलब, तो पहले मिनी बाइक चलाते हैं, असली बाइक तो चलाते ही रहते हैं, पहले मिनी बाइक चलाएंगे, क्योंकि मिनी बाइक यार ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। और फटाफट से चलते हैं यार। और ये बंदा भाई, ये मशीन के साथ हमको ना इस बाइक से कुछ मिशन कंप्लीट करना है, इस बाइक को चलाकर, जिससे हम कर सकते हैं भाई। रोड आ गया यार। ओके तो मैं रोड को धोखा देके आ चुका हूँ वापस, और यार इस बाइक से हमको कुछ स्टंट कंप्लीट करने, स्टंट भी नहीं कह सकते, इससे हमको कुछ टाइमिंग के अंदर एक राइड कंप्लीट करनी है, जिससे हमें रेड कलर का हॉर्स मिलेगा भाई। वो मोटा मोटी कम थे परेशान करने के लिए, जो ये कहने लग गया कि मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँ कि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो। तो यार ये बंदा दिमाग ख़राब कर रहा है, और ये फटाफट पता नहीं क्या कह रहा है। ओके तो ये मेरे को ये कह रहा था कि भाई तुम, मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा अगर तुम यहाँ से नहीं गए। और ये कह रहा है कि लेट्स मेक अ डील, ये कह रहा है कि एक डील करते हैं कि अगर तूने स्टंट कंप्लीट कर लिया ना, अगर टाइमिंग के अंदर राइड कंप्लीट करी, तो मैं तेरे को रेड कलर का हॉर्स दूंगा। तो ये एक्चुअली ये कह रहा है पूरी बात जो इसके कहने की है। और चलते हैं, रेडी सेट गो कर दिया इसने, और चलते हैं बैठते हैं बाइक के अंदर। पहले पीछे लो यार, तो ये ग्रीन ग्रीन से हमें 71 सेकंड के अंदर कुछ कंप्लीट। भाई रोड क्यों आ गया यार, शिट मैन। ओके तो फाइनली हम आ चुके हैं, और मैंने यार कंप्लीट करके ही दिखा दिया तुम्हें, क्योंकि ऐसे दिखाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और तुम इतने में दिमाग ख़राब हो जाता यार। और वैसे भी मैंने इसे एक दूसरी ट्राई में कंप्लीट किया, क्योंकि एक ट्राई में रॉड आ गया था इस वजह से। और फटाफट से ये तीसरा चौथा हॉर्स भी आ चुका है, और अब सिर्फ कैंपिंग में जाना है हमें, और चारों लगाकर हमारे पास आ जाएगी की, जिसे कहते हैं केज की। और फटाफट से इसे उठाकर लेकर जाते हैं, और यहाँ पर लेकर जा रहा है, और ये लगा पहला, ये लगा दूसरा मतलब, और ये गया चौथा। ओके तो मिल गई हमें केज की, तो केज की को लेकर जाना है भाई अपने नेबरहुड के अंदर, और नेबरहुड के ऊपर टैप करो यार, और नेबरहुड में अब पहुँच जाएंगे। और यार पहली बार मेरे को जूसर दिया यार, दूसरी बार इन्होंने मेरे को फ़ोटो दी भाई, तीसरी बार बंदूक ही दे देते वही काफ़ी रहेगा मुझे तुम्हें बचाने के लिए। तुम इस बार तो तीनों को बचाया भाई, तीनों कुछ ना कुछ गिफ्ट दो। ओके तो ये बच चुका है, ओके थैंक यू बोल रहा है भाई। और भाई ये बातें शातें कर रहे हैं भाई, ज़ोर से मत करो, रोड आ जाएगा भाई, ज़्यादा बातें मत करो तुम लोग। भाई रोड आ गया यार, शिट यार रोड आ गया, एंड टाइम पे रोड आ गया, जब एस्केप करने वाले थे तभी रोड आ गया, जैसे ही इन दोनों को बचाया यार, इतनी मेहनत वेस्ट चली गई यार, तीनों को इतनी मेहनत करके बचाया, और ये रोड आकर बस काम करके चला गया। ये क्या है भाई, ये पिंक पिंक कलर का क्या है, ये चेक करते हैं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये, मेरे को वो लग रहा है जिससे कि ये बच्चों को मोटा पर करता है। और यार वैन चले गए यार, इतनी मेहनत से बचाया था, मतलब एक और सीजन खेलना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, अब हो गया तो हो गया, वैसे भी आइसक्रीम 4 खेलने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और एक्साइटमेंट भी उसको खेलने के लिए, लेकिन कि आगे क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे कमेंट कीजिएगा कि आपको और कैसी कैसी वीडियोस चाहिए, जैसे माइनक्राफ्ट की वीडियोस चाहिए, आइसक्रीम की चाहिए, अमंग अस की भी जल्दी आने वाली है। तो गाइस तब तक के लिए, ऐसे गाइस एंड बाय।